हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं APECT सेकेंड अलॉटमेंट के बारे में। सीट अलॉटमेंट तक डिस्क जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है की वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका APECT का जो सीट अलॉटमेंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ, ये आर्टिकल getmy.com पे अवेलेबल है। 8 जुलाई का आपका अलॉटमेंट रिलीज किया जाएगा। APECT की वेबसाइट पर अलॉटमेंट को डिक्लेयर किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो डेट है 8 जुलाई है। टाइमिंग जो है एक्सपेक्टेड जो कह रहे हैं वो तकरीबन शाम के वक्त है, क्योंकि जनरली जो अलॉटमेंट होते हैं वो शाम के वक्त रिलीज किए जाते हैं, और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है आने की वो तकरीबन 6 PM के आसपास होती है, क्योंकि जनरली जो अलॉटमेंट होते हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा रिलीज किए जाते हैं। जनरली कभी कभार ऑफिशियली टाइम मेंशन भी किया था तो 4 to 6 PM भी कहते हैं, और एक्सपेक्टेड मान के चलें तो 6 PM के अराउंड आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसको डाउनलोड कैसे करना होगा उसके बारे में बात करें तो उसका फर्दर अपडेट मैंने दिखा दिया। इस पर आपको डाउन के स्टेप नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है आपको दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिंपली डाउन के स्टेप जो है कुछ खास नहीं होते हैं, अलॉटमेंट के आसानी से हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, लिंक जो है आपको रिक्रूटमेंट की टैब या फिर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे आप रिजल्ट या फिर जो है एडमिट कार्ड डाउन कर रहे थे, ऐसी लिंक का मिल जाएगा अलॉटमेंट का। उस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, ID पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद रिजल्ट शो जाएगा। थैंक यू।